और उनके टीम का। आगे मैं कैलाश मोहन आर्य जी को आमंत्रित करूंगा, वे अपने लघु भजन के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। हमें अध्यात्म ईश्वर भक्ति की ओर ले जाने वाला जो भजन है उसे सुनाने का प्रयास करेंगे। आप आर्य समाज ओढ़ब से जुड़ करके वैदिक धर्म का भजनों के माध्यम से प्रचार प्रसार करते रहते हैं, माननीय कैलाश मोहन जी। ओ सभी धर्म प्रेमियों को सादर नमस्ते जी। बहुत ही सुंदर भजन आप अभी जिनसे श्रवण कर रहे थे, और हमारे तबला वादक जो हैं उनको भी सादर नमस्ते जी, और जो मंच संचालित कर रहे हैं भ्राता जी आचार्य जी उनको भी नमस्ते जी। बहुत ही पवित्र वातावरण बन चुका है। ऋषि जी का भजन हमने सुना, परंतु संचालक जो हैं उन्होंने कहा है कि प्रभु भक्ति का भी हमें भजन सुनना है, तो प्रभु भक्ति का हम भजन सुनेंगे। स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक सब लोग जानते होंगे, वह तीन शब्द बताते हैं कि संसार में तीन पदार्थ जो है अनादि है, और सब लोग जो हैं सनातन धर्मी हैं सबको पता ही होता है, आत्मा परमात्मा और प्रकृति। ये जो आत्मा है वो है हम, और प्रकृति जो है इस संसार का जो रूप जो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है वो प्रकृति है, और जो परमात्मा है वो है हमारा लक्ष्य। संसार में यदि हम हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, किसी शास्त्रकार ने कहा कि इस संसार का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी जो अविद्या है वो क्या है। एक मिनट के लिए हम विचार करें कि संसार की सबसे बड़ी अविद्या क्या है, तो शास्त्रकार कहता है कि हम इस संसार में आए हो और हमें ये ही नहीं पता अरे हम संसार में क्यों आए। तो सबसे बड़ी ऐसी अविद्या होती है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि जितना हम ईश्वर का संग करेंगे, अपने लक्ष्य का संग करेंगे, उतना ही हम सुखी रहेंगे। आज के समय में हम देखते हैं लोग दुखी रहते हैं, क्यों रहते हैं? ये जो बड़े बड़े जो भवन है बनाए जा रहे हैं, लोकार्पण किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? हमारे लिए, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। परंतु ये परमात्मा से हट करके मुमकिन नहीं होगा, हम परमात्मा का तो संग करना ही पड़ेगा। तो आइए उस परमात्मा को हम जानते हैं, हमारे वैदिक शास्त्र हमारे वेद उस परमात्मा को क्या कहते हैं। हो आपको भी मेरे साथ में मिलकर के भजन गुनगुनाना पड़ेगा, और सबने यह भजन अवश्य सुना होगा। भजन के शब्द है, परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, अरे स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। आइए जी मिलकर के गाते हैं, आनंद के साथ में तालियां भी बजा सकते हैं आप। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार। तारों से भरा नव का आंगन सूरज चंदा कर रहे गमन, तारों से भरा नव का आंगन सूरज चंदा कर रहे घमन,
घन घोर घटा करती गर्जन, कहीं शीतल मंद सुगंध पवन, कहीं शीतल मंद सुगंध पवन, यह बिन सीमा का नील गगन, जिसमें पक्षी करते हैं भ्रमण, मिल रहा उन्हें निस दिन भोजन। हे जगदीश्वर तुमको धन धन, हे जगदीश्वर को धन धन। कौन सी वस्तु की शक्ति से कौन सी वस्तु की शक्ति से सब कुछ सर्वाधार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। देखिए बहुत पवित्र भजन है, आप मेरा साथ दीजिए, ये कड़ी मिलकर के गाते हैं, आइए जी दोनों हाथ उठाइए तालियां बजा करके। ओ परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। गाइए जी, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे। आपका आवाज नहीं आ रहा है, एक बार और होना चाहिए। ओ परम पिता परमेश्वर तुमने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार। हो कितने सुंदर क्या कहना, इस मस्तक में दो नैना, कितने सुंदर क्या कहना, इस मस्तक में दो नैना, बिना तेल इन दो दीपक का आठ पहर जलते रहना, बिना तेल इन दो दीपक का आठ पहर जलते रहना, मुख में दांतों का गहना, रसना बोल रही कहना, मुख में दांतों का गहना, रसना बोल रही कहना, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में भी श्वासों का चलते रहना, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में भी सांसों का चलते रहना, गर्भ के अंदर मानव चोला हो, गर्भ के अंदर मानव चोला, बिना किसी औजार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। गाइए, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। हो तू अजर अमर तू अविनाशी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, सुख धाम सदा तू सुख राशि, निरअहंकार निरअभिलाषी, झलके तेरा रूप बाहरों। क्षमा चाहता हूँ, स्वामी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, भजन को यहीं विराम देंगे। ओ ओ बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश मोहन जी का, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए। तो अभी हमारे सामने पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी उपस्थित हो रहे हैं, हम सभी उनका इस सभा मंडप में हार्दिक स्वागत करेंगे। आप लोग खड़े होकर के उनका अभिवादन करेंगे पूज्य स्वामी जी का। जी,